तो मैं आपके हिसाब में बनवा, जिसी मैंने सेंड करे इसी में बना दिया। मजबूत भी है, यहाँ उठा के पटक पे देख लियो, चेहरे चेहरे में पूरा दिन लग जाओ, और एक दिन में फिर तो नीचे को तैयार हो जाओ, दूसरे दिन फिर आगे कलर हो जाओ। राम राम साहब, मैं हूँ मनोज, थे देख रहे हो दिल को चूरू। फिलहाल चूरू के सरदार शहर में हूँ, और अठे एक मूर्ति कला कलाकार है जिको कई दिनों सुर्खियां में है। बात करांगे के मूर्ति है जिकी कलाकारी की, मेरे पीछे थान दिखेगी के मूर्तियां है जिकी राम प्रसाद मेव द्वारा बनाई गई है, और एक मैं आगी कलाकारी है जिकी थे देख को आशा बातचीत भी करा। मैं पहले अपने चैनल पर यदि नया हो तो सब्सक्राइब करियो, साथ ही साथ बेल बटन भी दबाइयो ताकि आगे जो भी आना रो नोटिफिकेशन है वो थाने मिल सके। तो राम प्रसाद मेव है जी का जुड़े है बातचीत करने। भाई साहब, फ्री हरी मूर्ति को एक तो के कारण है कि फ्री मापा मूर्ति है दे रहे हैं या बांट रहे हैं? मेरा जो टैलेंट है वो मैं लोग दिखाना चाहूँ कि भी मेरे में कला है। कितने टाइम हुआ जी की मूर्तियाँ है जी का थे बना रहे हो, और ए फील्ड मानो के रीजन हो क्या मूर्तियाँ बनानी सीखी? मेरी एक बचपन में कलाकारी की इच्छा है कि आप कोई इनको कला करके देखा, और खुद ने बनाने को बहुत जुनून सवार हो रही हो एक मान लियो। कितना टाइम है जी को अपन मूर्तियां बनाता है? हो गया फिलहाल बनाता मैंने यहाँ तो मान लिया आज 4-5 साल पहले मैं एक मूर्ति बनाई, और अब फिलहाल मैं 3 महीना गए काम वापिस स्टार्ट करी। यहाँ पहले मोबाइल की दुकान भी हूँ, पहले मैं चेचे को काम करी 10 साल। अच्छा, चेचे वहाँ कलाकारी है जी की जागी। अब जी हाँ, शुरू की अमेरिका साहब की मूर्ति है थे बना रखी हो, तो जहाँ कोई खास चीज भी मैंने रखोगे या जहाँ मूर्ति देख के बनाओ या क्या बनाई रही है पहले बहुत बारे में बताओ? फोटो देख के ही बनाऊंगा। आ मूर्ति है जी कहेंगी कि कुछ बना रखी है? दो नंबर वाली। हाँ, दो नंबर वाली तो नजदीक कोई भाई है, वो आप खुद की आपकी बनवाई देखी है। अच्छा, वो तो राज्य हो जाओगा आप ले जल्द शुरू करा रही है। तो लगातार मूर्तियां ही बात कर रहे हैं जी, ये दोनों तस्वीर है, एक तो जहाँ रविदास जी की बता रहे हो थे लास्ट की, और एक जहाँ ये दोनों मॉडर्न टेक्नोलॉजी की है, तो अंग मायने के कुछ अंतर जहाँ लगे के कुछ टाइमिंग लगे या कितो के जहाँ अंतर आवे के कोई जहाँ मूर्ति बनावा बैठे? मूर्ति बनावा जी एक मायन लमसम 3 दिन ही लगे, और बी के मायन जी की आप बैठी मूर्ति एक मायन लमसम 2.5 दिन में भी तैयार हो जावे। जहाँ खासियत की बात कर लिया एकदम दोनों ही तस्वीर की बात कर लिया, नई टेक्नोलॉजी की है बा है जी की जहाँ पुराने जमाने की है, तो भी कोई जहाँ अंतर आवे या टाइम लगे कि बनाने में, क्यों अमूमन इसी चीजा कम बने बेसी तो बनती है ये पीछे टाइम? एक लड़का है तो मैं आपके हिसाब में बनवा, जिसी मैंने सेंड करे इसी में बना दी। अच्छा, एक थाली आ खासियत मैंने बढ़िया लगी, अभी तो पेमेंट है जी को थे शायद कौन ले रहे? पेमेंट कौन ले, बिल्कुल फ्री दे। अब आज यहाँ मूर्तियां बात कर लिया, आगे अंदर भी कोई खास चीज भी है कि मूर्तियां? खास तौर के सीमेंट से तैयार करूँ, और फेविकॉल वगैरह मिला के, और इसके अंदर पाइप दीड़ो है, और कपड़ों में साथ में दे के भी के बाद में तैयार करूँ, फटे भी को नहीं, मजबूत भी है, यहाँ उठा के पटक पे देख लियो। हाँ, चीज़ खास है। दूसरी जो मूर्तियाँ आए करती पहली भी आ रहा है कि जहाँ मट्टी की ज्यादा अतर आवे वह अंदर थोती हुए थोती को नहीं पूरी भरवा मूर्ति है, और अभी अभी थे बजा के दिखाई ये सिबान बजा ले तो वहाँ काम तो हो जाए वह तो टूट जाए, वह मट्टी की बनाई टूट सी। अच्छा, दूसरी अपने क्षेत्र में चूरू क्षेत्र की पूरे की चूरू जिले की बात कर लिया, तो ए टाइप की कोई मूर्तियां अठे बनेंगे अपने कोई बैठी? अठे फिलहाल मैं मेरे तो कोई नहीं गेम आए को नहीं कोई बना तो भाई। दूसरी के जी मिट्टी की मूर्तियां आप सुनी, दूसरी पत्थर की मूर्तियां जी की आप सुनी, हाँ बैंग अलावा थे सीमेंटेड बनानी शुरू करी हो, इनके पीछे खास कोई रीजन रह रही? नहीं रीजन, और तो दूसरी कला मनाओ को नहीं सीमेंट को ही काम मनावा जो मैं सीमेंट में चालू कर दी। तो जी का मूर्तिकार है वह पत्थर की मूर्तियां पर ज्यादा आकृतियां करे, ये मैं कौन सो इशू पार्टर है जी के अंदर ज्यादा टाइमिंग लगे और ज्यादा यहाँ झुंझो काम हुआ है? और चेहरे को ज्यादा है कि मैंने ज्यादा टाइम लगे, चेहरे चेहरे में पूरा दिन लग जाओ, और एक दिन में फिर तो नीचे को तैयार हो जाओ, दूसरे दिन फिर आगे कलर हो जाओ। तो सीमेंट द्वारा यहाँ पहली कौन सी प्रोसेसिंग करो, क्या सीमेंट मिलाओ क्या कुछ करो वो थोड़ा बताओ? सीमेंट के अंदर फेविकॉल मिला के अभी के बाद में अट पहले तो सरिया आए कि मान जो मान लो पाइप आवा है, बाद में चारों मेरे कपड़ों लगे, कपड़ों लगे अभी के बाद में ऊपर सीमेंट ला के राख पुराई हुआ है सारी, बाद बाकी कि मैंने अठे तार दे के कपड़ों लगा के, और इन्हें भी तार है कपड़ों लगा के अभी के बाद में सीमेंट लगा के कटिंग हुआ सारी। और राम प्रसाद जी लगातार बात करेंगे बाद में स्टडी की पढ़ाई की अपनी बात कर लें, कितनी कुछ की पढ़ाई है जी की जहाँ थारी ऑलरेडी है? पढ़ाई में तकरीबन 6ठी क्लास में छोड़ दी, आगे पढ़ी भी करनी। तो अपन ये चीज़ वहाँ भी मान सका, हाँ यदि आदमी में टैलेंट हो है हुनर हो है तो वो यहाँ फिर भी आगे बढ़ सके? हाँ बढ़ सके, खुद के अंदर अगर टैलेंट हो तो आराम बढ़ सके, कोई दिक्कत को नहीं। दूसरी यदि हम मूर्तियां की बात कर ले तो हम कितो के अंतर है कितो टाइम लगे की विशेषता है मूर्तियां? विशेषता संत रविदास जी की है, अभी के मैंने दाढ़ी भी साब बना दिखानी पड़े, अब वाला है जो की भी एकदम बारीकियों कोरनी पड़े, और हाथ की वाला है आ भी देड़ी है देखो, और आ है गौतम बुद्ध की, अई के मायने ऊपर घुंघराला वाल की भी आवे वह भी मेरी एक बनाईडी है, वह बना के वो भाई ले गयो, और एक मैंने खुला बाड़ में है।
अच्छा आगी जी आप बात कर लें तो हमें तो टाइमिंग में भी कोई फर्क रहेगा जी, क्योंकि ये चीज़ें अलग होगी। अगर मैंने जी सिंपल वे का बाल आ रहे हैं जी, थे बता रहे उंगला रहे तो आम जी जद मूर्ति बनाओ तो टाइम लगेगा के हाँ, टाइप की हमें टाइम को फर्क हुआ है। कुछ टाइम एक महीने ज़्यादा लगे जी, मतलब एक महीने कम लगे, एक महीने बाल घुमाना पड़े, एक महीने थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे। टाइम लगे जी अगर मैंने बिया भी तो है कि जी इसी आप सेम कंडीशन बना रहे हैं तो बेग मैंने जी हुनर को भी पता चल जाता होगा आदमी की तो पानी में। हाँ वो तो लग गई है, मान लो कि आ मेरी फर्स्ट मूर्ति है मान लो कि आ अच्छा, और एक बाद में अब जी मतलब आ मूर्ति देखो एक मैंने थाने खुद ने भी ध्यान लाग जिसी के कि तो अंतर भी आए हुए। अच्छा थारी पहली पोत की बनाई थी? हाँ पहली पोत मैंने भी, तो दूसरी मूर्ति है पहली वाली तो मैं दे दी है जो गाँव को लड़को भी। फिर ए जी आ मूर्ति एक मैंने जी निखार आ दोनों ही बात कर लिया तो हमें लगभग चीज बेरो पड़े कि वो व्यक्ति है अपने सामने खड़े हुए वो व्यक्ति जो भी है तो वहाँ बेरो पड़े तो अब मैं जी थानिया लग रही है आपने धीरे धीरे आप सीख रहे। हाँ हाँ मेरा अच्छी तरह मेरे खुद को कह करना है कि दुनिया भी कह रही है। और आजकल के जो कल्चर में भी अंतर आ रही है, अमूमन एक चीज और देखने मिला है कि मूर्तियां है जी की या तो कोई देवी देवता ही बनाया जाए और या फिर जो कोई विशेष आदमी रहे बाद में बने टाइम जाए बाद में थे अंश हो गए पहली बना के दे रहे हो कि स्टेचू है मूर्ति को नहीं भी स्टेचू बोले जाओ तो भी कमाए ना। अगर घर में खटे भी रख सका कोई दूसरा आवा है मान लो वो भी आगे देखे तो पूछे भी आगे कानून भाई स्टेचू तो जहाँ शहर के लोग लिए गाँव और तो मूर्ति कहेगा परला कब है भाई और है स्टेचू। अच्छा ये चीज़ें यहाँ स्टेचू है अपने क्षेत्र में कारगर भी कम है तो थान लगेगा आप जहाँ वो एक बढ़िया आगे रोजगार भी हो सके जी देखो सीखना चाहे तो। हाँ सीखना चाहे तो रोजगार बढ़िया है, मेरे कन भी खुद पिसा के लिए भी कमेंट आ रहे भी मेरे पिसा दे देसी मेरे बनवा दे तो भी को मैं फिलहाल में कोई काम चालू कर कौन रखियो मोटो सोच रखे आप बाद में बड़ा पिसा ले आएंगे बड़ा तो कौन लेवा आपने जितनी मेहनत लागे बिताए लेसा भी के बाद में भी और फिलहाल में एक फ्री है। दूसरी जी कोई विशेष व्यक्ति विशेष की बात कर लिया जिसका पॉपुलर रोड है बंगी भी जी कोई मूर्ति वगैरह बनाई जी अंबेडकर साहब की बात आप कर लिया आगे बनाई यहाँ भी जी कोई पॉपुलर या अभी दो व्यक्ति की बात करा तो पॉपुलर भी मूर्ति बनाई गई थी अभी यहाँ फिलहाल में तो ही बनाई एक रविदास जी की गौतम बुद्ध की तीन बना दी गई तो मैं दो ले गया आपकी और बाबा साहब की दूसरी एक तीसरी आज चालू हुई है। अच्छा प्रत्येक चीज को यहाँ कह जा रहा है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं तो थानी अलग है कि आप सीखियो कौन तो थोड़ी बहुत कमी आपने खल रही है अभी नए सीखे तो खुद में कमी तो दिखी है बाद में आहिस्ता आहिस्ता खुद ही निखार लेना पड़े कोई चीज नहीं ध्यान में मैं भी खुद यूट्यूब पर सर्च करके देखूँ भी आज चीज किया हमने तो आप आज चीज भी मान सका लॉकडाउन के अंदर बढ़िया यूट्यूब को यूज या आप मान सका टेक्नोलॉजी को यूज एक तरफ लोग जहाँ बेकामी बेफालतू की कमेंटबाजी करके करे या पोस्ट डाल के करे बे मैं थे बढ़िया यूज भी एंगो शायद करे। हाँ मैंने खुद ने भी ऐसा सुरेगा बढ़िया काम कर रहा है और दुनिया भी कह रही है कि बढ़िया काम कर रहे हो। अच्छा आज जो मूर्तियां बना रहे हो चंग बाद में जो लोग थोड़ा बहुत रिएक्शन चेंज हो गाँव में जाओ गाँव में या जो शहर में कोई मिल रहा है जो थोड़ा बहुत रिएक्शन चेंज हो लोगों को जानकार आदमी है जिसको तो आप बात कहो को नहीं जिसको अनजान आदमी को देख ले वो कहे भी वो आदमी को मूर्ति बनाओ जिसको मूर्ति ही बनाओ वैसा भी है जी गमला गमला बना रखे हुआ भी थे मेरा खुद को बनाया है पहले मूर्तियों पहले ये बनाया खुद को तो आज चूरू है सरदार स्पेशल कवरेज ही और राम प्रसाद जी भाई साहब साग आप बात करके और एक कवरेज में अंग द्वारा जी की भी मूर्तियां बनाई जी है बांगी चर्चा है जी की करी यहाँ खासियत आएगा धीरे धीरे है मूर्तियां मैंने सुधार भी लेने लग रहे और अभी तकरीबन तीन ही महीना हुआ है तीन महीना के अंदर इसे निखार ये दिया जाए और मूर्ति आपने देख रही कौनी क्योंकि तो व्यक्तियां ही बात कर रहे हैं स्पेशल जी आप अंबेडकर साहब की बात कर लिया तो अन्य देखिए दिए लाग रही है कि अंबेडकर साहब की मूर्ति है तो आप टैलेंट है जी कहने जान सका। हाँ बाकी जलको चूरू पर नया हो तो सब्सक्राइब करियो और आगी मेहनत है जी की लोगों तक पहुंचे और क्या कुछ को कर रहे क्या वो टैलेंट लगे बा कमेंट बॉक्स के द्वारा जरूर है बताने की कोशिश करूँगा प्रोग्राम क्या लगे थारे भी आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिको जो कोई हुनर रखे जरूर ऑफिशियल जी का अपना नंबर है 8000-88-4829 वहाँ पर व्हाट्सएप के द्वारा सारी जानकारी है जी की सेंड करूँगा ताकि थारू संपर्क है जिको मेकर्स का वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है जितना भी प्लेटफॉर्म है चाहिए यूट्यूब है फेसबुक है इंस्टाग्राम हो है जो भी प्लेटफॉर्म है जरूर सब्सक्राइब करो चैनल ने बेल बटन साथ ही साथ दबाना है और कवरेज के बारे में फीडबैक तो देना ही देना है। जय चूरू जय राजस्थान जय हिंद।